गेस्ट निधिवन घूमकर आए, जो कि हमें बहुत बहुत अच्छा लगा निधिवन, क्योंकि हम रात के समय आए थे और एक पहली बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई, मम्मी पापा ने पहली बार निधिवन घूमा था। तो फाइनली अब हम आए रंग जी के मंदिर, जो कि ये है। तो बोलो राधे राधे। तो अभी रात के बजे 8 और अभी मंदिर खुला हुआ है। ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है, जैसा कि आप देख सकते हो। कैमरामैन पूरा मंदिर दिखाया जाए, कैमरामैन ने अपनी पोजीशन लेते हुए। तो राधे राधे। तो चले हम निधि अंदर। यस, ये है पूरा मंदिर। तो फाइनली अगर तो गाइस फाइनली आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पर ये टिकट लेनी पड़ती है। लीला, जैसे लीलागढ़, बहानगढ़, शीश महल, ये यहाँ टिकट का प्राइस है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया है। तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ना, क्यों हम क्या हो गए, लेट हो चुके हैं, इसलिए हम ये टिकट परचेज नहीं कर पाए फोरफेट। और क्योंकि 8 बज गए और वृंदावन 8 बजे के समथिंग मंदिर, तो वृंदावन फो गए वृंदावन ना 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। मंदिर मामा ऊपर बैठे हैं, जो वृंदावन में मंदिर मामा कुछ ज़्यादा ही है। तो फाइनली, लेकिन हमने आपको बाहर से तो दिखाया ही है कि ये कैसा है, और आपको बता भी दिया है कि अगर आपको कभी आना हो तो बिल्कुल निधिवन के जस्ट पास में है, आप पैदल आ सकते हो, कोई भी आपको व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निधिवन, बहुत अच्छा मंदिर है वैसे, बहुत अच्छा, हाँ अंदर से भी अच्छा होगा क्योंकि अभी बंद हो चुका है, लेकिन हम बाहर बार घूम लेते हैं। तो चले गए, ये देखिए काफ़ी बड़ा मंदिर है और बंद हो गया है, इसलिए भीड़ भी नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। तो गाय फाइनली अगर हम यहाँ दिन में आते तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले थे, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर मंदिर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुंड भी है शायद, जो यहाँ दिख रहा है, कैमरामैन हमारा आगे आगे भाग रहा है। तो ये एक कुंड है, छोटा काफ़ी बड़ा कुंड है। अरे वाह कितना सुंदर है, एक रील्स तो बनती है यहाँ, बनाना है ना है। तो ये है रंग जी का मंदिर, तो जब तक मैं एक रील बना कर आती हूँ गाइस, चले एक बार नीचे हैं। तो फेड यार लॉक लगा हुआ है क्योंकि अभी, अच्छा यहाँ ठीक है, मैं एक रील बना लेती हूँ गाइस। मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है जैसा कि आप देख सकते हो पीछे, और एक बहुत बड़ा सा सरोवर भी है। दिन के समय शायद ये खुला रहता होगा, लेकिन रात के समय अभी ये बंद है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, ये अंदर है, चले। काफी बड़ा है ना मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए। तो अगर आप यहाँ दिन के समय आए, क्योंकि रात के 8 बजे की समथिंग तो ये बंद हो जाता है, मोस्टली घूमने वाली चीजें हैं वो बंद हो चुकी है, लेकिन मंदिर ओपन है अभी। इसी के अंदर शीश महल है, जो कांचों वाला महल है, बहुत सुंदर लगता है गाय। और जो सोने के खम्भे बोले जाते हैं, इसमें बोला जाता है कि इसमें पहले सोने के खम्भे थे, चोरी हो गए बट एक रह गए। ये रहा, तो बोले थे ना शीश महल इसी के अंदर है वो, हाँ। तो फाइनली गए, ये है यहाँ का अंदर का व्यू, जो बाकी में बहुत सुंदर है जैसे कि आप देख सकते हो। कैसा लग रहा? यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, हम रह गए तो हम भी पहले फोटो क्लिक कर लें। तो फाइनली गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है मंदिर का व्यू, जो बाकी में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ से। ये देख सकते हैं आप यहाँ के ये खम्भे हैं, दिन के समय तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। रंगनाथ भगवान जी की ये तस्वीर है जैसा कि आप देख सकते हो। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। ये है यहाँ गरुड़ भगवान, जो मम्मी वीडियो में आ रही है। अच्छा मम्मी वीडियो बन रही है फिलहाल, ब्लॉग फोटो लेना है। अच्छा
फोटो सेशन लेना है क्या? हाँ, कमेंट्स में बताएं गाइस कि मुझे तो नहीं पता ये किस किस भगवान के हैं। कुछ मुझे आप इतना पता चल रहा है कि गरुड़ भगवान की हैं और मंदिर वाकई में बहुत सुंदर है। मैं आपको अंदर का जगन्नाथ जी के दर्शन कराना चाहूँगी यहाँ पर लाइव। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। काफी सुंदर मंदिर है ना? क्या मंदिर का गेट कहाँ गेट? अरे गेट तो अरे वाओ, हाँ मैं नोटिस ही नहीं किया। कितना सुंदर गेट है, छोटी 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 बेल लगी हुई है। तो गाइस मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। मम्मी पापा कहाँ हैं? इधर से तो निकले थे शायद, आई थिंक। यहाँ की जो आरती हो रही है ना उसकी ये आवाज है, जैसे कि आप सुन सकते हो। तो फाइनली आपको ये मंदिर कैसा लगा? दिन के समय बहुत अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा। किसी दिन हम यहाँ दिन में आएंगे गाइस, क्योंकि मेरा यहाँ का ब्लॉग पूरा बना भी नहीं है और मैं यहाँ पर भी सेकंड टाइम आई हूँ। पहले मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। मैं यहाँ सेकेंड बार आई हूँ लेकिन अभी तक मैंने यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी और यहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, जो वाकई में बहुत ही सुंदर है। तो फाइनली गाइज हमने यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, जो बहुत बड़ा मंदिर है। वैसे यहाँ पर ये रंग महल के नाम से जाना जाता है, रंग जी का मंदिर। और दिन में हम इसके पूरा एक बार मैं यहाँ जरूर आऊँगी। तो कैसा लगा आपको? और इसमें तीन मंदिर हैं, एक जगन्नाथ जी का है, एक शीश महल है और नहीं तीन मंदिर है। तो लेकिन मैं इसका ना आपको दिन में व्यू दिखाऊंगी और पूरा डिटेल्स लेके आऊँगी। तो गाइस लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा। अगर कोई निधि बनाए तो यहाँ बिल्कुल ज़रूर आए। तो बोलो राधे राधे, राधे।